नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं हूं आपके साथ निशा बिधोड़ी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। दिल्ली में रविवार के बाद हुई हिंसा अब थम गई है। बुधवार को दिल्ली में हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन शहर में अभी भी अजीब सी शांति है और हर किसी को आशा है कि दिलवालों की दिल्ली में अमन जल्द ही लौटेगा। दिल्ली में हिंसा हुई मौतों का जो आंकड़ा है अब अधिक बढ़ गया है और गुरुवार सुबह तक 34 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं हाईकोर्ट की फटकार के बाद केंद्र और राज्य सरकार एक्शन में आई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर दिल्ली की सड़कों पर उतरकर लोगों से बात की और उन्हें जल्द शांति और अमन का भरोसा दिलाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली वासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जो कंटेन है कॉन्फिडेंस इन द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस स्टडी के साथ सिचुएशन तरफ जो है पूरी वो है। एसएम साहब ने पूरा